बड़ा खुश हूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बड़ा खुश हूँ कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ग्रामी अपने मनसब का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मैं एक ही मारूजा है मेरा जो शहर में हमारी महफिलों का मिजाज अब बनता जा रहा है उसी सिलसिले में बाबुल इल्म सोसाइटी और इसके अराकीन यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस तरह की एक मेयारी महफिल का उन्होंने इनेकाद किया। हमें वो जो हमारे यहाँ बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता हम किसी और सिंह की तरफ चले जा सम की तरफ चले जाते हैं यानी शौरी तौर पर हम इन्हिताब का शिकार हैं। तो हमें इस सिलसिले में मुंतजमीन से मेरी गुजारिश है जो भी शहर के हमारे मुंतजमीन हैं ट्रस्टीज हैं तो इस तरह की महाफिल को तरतीब दिया करें ताकि समातें बेदार हो सके। एक मरतबा सलवात पढ़ लीजिएगा समाज फरमाइएगा ज्यादा जहमत नहीं दूंगा आपको। खुदा ने चाहा माशाल्लाह खुदा ने चाहा जो चाहा अली अरे ये चाहा तो उसकी है ना कि मैं छुपा हुआ खजाना था मैंने चाहा ये चाहा तो उसकी है कि मैं पहचाना जाऊं पहचान की चाहत तो उसकी है। खुदा ने चाहा जो चाहा अली की बेटी ने रखा खुदाई को जिंदा क्या बात क्या बात है अली की बेटी ने यहाँ की समाज पर मेरे अंदर जरा सा भी 0% भी इश्तबा नहीं होता इश्तबाह का लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने शक का नहीं किया शक से ऊपर की मंजिल है इश्तबाह। खुदा ने चाहा जो चाहा अली की बेटी ने कुल अंबिया से भी जो काम नामुकम्मल था जो काम नामुकम्मल था किया है काम वो तन्हा क्या बात है क्या बात है क्या बात है काम वो तन्हा कोलंबिया से भी जो काम नामुकम्मल था किया है काम वो तन्हा दहुन के बाद जो इस्लाम लड़खड़ाने लगा इस्लाम लड़खड़ाने लगा दहुन के बाद जो इस्लाम लड़खड़ाने लगा तो पढ़ के उसको संभाला अली की बेटी तो बढ़ के उसको सम
संभाला। अली की बेटी ने हुसैनियत की अंगूठी में जो चमकता है, हुसैनियत की अंगूठी में जो चमकता है, नगीना गम का तराशा। अली की बेटी वाह, नगीना गम का तराशा, वाह 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 वाह, नगीना गम का तराशा अली की बेटी ने जो शहर शहर आजादार आज बसते हैं, शहर आजादार आज बसते हैं, जो शहर शहर आजादार आज बसते हैं, वो गम का शहर बसाया अली की बेटी ने। गम का शहर बसाया अली की बेटी ने, बसाया अली की बेटी ने। मिश्रा समाज फरमाइएगा शोरा आजाद के दरमियान पढ़ाओ में, वो जिसको सुनते ही आंखें खिराज देने लगे हैं, जिसको सुनते ही खिराज देने, वो जिसको सुनते ही आंखें खिराज देने लगे, लिखा है ऐसा सही अली की बेटी, लिखा है ऐसा सहीफा अली की बेटी ने, दिया था कर्ज खदीजा ने हक को, दिया था कर्ज खदीजा ने हक को, उस पे मजीद दिया था कर्ज खदीजा ने हक को, उस पे मजीद दिया है दीन को कर्जा। दिया है दीन को कर्जा अली की बेटी। अल्लाह के हमी ये शेर समाप्त फरमा लीजिएगा, जबान का शेर है। सवाले बायते फासिक किया था जिसने उसे, क्या सवाले बायते, सवाले बायते फासिक किया था जिसने उसे, उसी के घर में है किया था जिसने, उसे उसी के घर में है मारा। अली की बेटी ने और एक हर एक गदीर के दुश्मन को बेनकाब किया। कैसे बेनकाब किया, अरे कदीर के दुश्मन को बेनकाब किया, बिछा के फर्श आजाद किया, बिछा के फर्श आजाद, अरे कदीर के दुश्मन को बेनकाब किया, बिछा के फर्श अज़ा का, अली के अली की बेटी ने हमारे वास्ते
हुसैनियत का निसाब हमारे वास्ते लिख कर हुसैनियत का निसाब नसीब लिखा हमारा। आखिरी शेर उसके बाद मुफ्ते की तहमत दूंगा कि हमारे वास्ते लेकर हुसैनियत का निसाब नसीब लिखा हमारा। खुदा परस्तु था मैं और नबी परस्त था मैं। खुदा परस्त था मैं, नबी परस्त था मैं, अली परस्त बनाया। खुदा परस्त था मैं, आइए कलीम भैया बैठे आ जाएंगे। खुदा परस्त था मैं बदल के पढ़ता हूं। खुदा परस्ती में मुझको, खुदा परस्ती में मुझको खुदा की बस्ती में। खुदा परस्त था मैं और नबी परस्त था मैं, अली परस्त बनाया। अली की बेटी ने करेना सजदाए ताजीम, यानी लोग जो अलम पे या बारगाह में सजदा करते हैं तो लोग कहते हैं सजदा ना करो, भाई ये सजदा ताजीम है। दलील तो ये है कि आदम को भी तो सजदा किया गया ना, नाइब खुदा था वो नाइब था खुदा का, नाइब को भी सजदा करना वाजिब है। जो ना करेगा वो इंग्लिश हो जाएगा। खुदा परस्त था मैं और नबी परस्त था मैं, अली परस्त बनाया, अली की बेटी ने करेना सजदे तादीम क्यों मुहिब तारीख, करेना सजदे तादीम क्यों मुहिब तारीख किया है।